YouTube एनालिटिक्स के मुताबिक हमारे व्यूवर्स में से 76% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सिर्फ 25% सब्सक्राइबर्स ने ही बेल आइकन को प्रेस किया है। हम तमाम व्यूवर्स से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। हज़रत फातिमा बहुत मेहरबानी मौला अली से हुआ, मौला अली के साथ मासूम आलम का निकाह हुआ और जब निकाह हो गया तो सरकार दो आलम ने एक बड़ा बलीग़ जुमला इरशाद फरमाया कि अगर अली न होते तो मेरी बेटी फातिमा का कोई कुफो नहीं था। कुफो अरबी में कहते हैं बराबर वाले को, कुफो अरबी में कहते हैं बराबर वाले को। अगर अली न होते तो मेरी बेटी फातिमा का कोई बराबर वाला नहीं था। ये दो उंगलियां एक दूसरे की कुफो नहीं है, एक छोटी है एक बड़ी है, ये कुफो है, दोनों बराबर हैं। कहा अगर अली ना होते तो मेरी बेटी फातिमा कोई कुफो नहीं था। फातिमा तमाम जिंदगी पर्दे में रही, हिजाब में रही, उनके मोजिजात भी पर्दे में रहे, उनके अकबाल भी पर्दे में रहे, उनके इरशादात भी बहुत कुछ पर्दे में रहे, अली निगाहों के सामने रहे। जो काबे में पैदा हो वो अली, जो दावत अशीरा में नुसरत का वादा करें वो अली, जो शब हिजरत बिस्तर रसूल पर सोएं वो अली, जो फातेह बद्र हो वो अली, जो फातेह उहद हो वो अली, जिनके लिए जुल्फकार आए वो अली, जो खंदक में कुल ईमान बने वो अली, जिनको खैबर में अलम मिले वो अली, जो खतीब मिंबर सलूनी हो वो अली, जो सवार दोशे रसूल हो वो अली, जिनके लहजे में अल्लाह कलाम करे वो अली। जब फजाइल के इतने जीने तय कर लेते हैं तो फातिमा के बराबर आते हैं।